हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 के लिए गणित का मॉडल पेपर यहाँ पे हल कर रहे हैं। और ये हमारे पास है अरिहंत की किताब। इसमें जो मॉडल पेपर दिया गया है, पीछे के 5 मॉडल पेपर है, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, जो कि थोड़े से मुश्किल, थोड़े से ज़रूरी, थोड़े से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनमें से हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो लाऊंगा। जो बहुत आसान क्वेश्चन है उनको नहीं पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुविकल्पी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत कम बार आया है, लेकिन किताब में इसका कोई सलूशन मिलता नहीं है खोजने पर भी, कि 1/cosec θ का अधिकतम मान क्या है। विकल्प है 1 और -1, 0 व 2। अभी सोच रहे हैं इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, बातों को समझ लें, ताकि कुछ बेहतर जानकारियां मिल सकें। सो दोस्तों, यहाँ पे हमको समझने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देखना होगा इस सारणी को। वहां पे लिखा था 1/cosec θ, जो कि होता है sin θ के बराबर, उसका अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो अधिकतम मान क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 0 का मान 0 होता है, 0 से बड़ी तो गिनती आती होती है, और इससे ये जो होता है ये जो छोटा ही पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट दो का मान 2 से छोटा होता है, तो ये गिनती इससे बड़ी होगी। और √3/2 जो है ये अगर किया जाएगा तो ये इसका मान और बड़ा होगा, 1 का मान सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये कम होता जाएगा, यही अपोजिट साइड में, यानी 90 के बाद जो अगला वाला स्टेप आता है वो 90 - θ करके, मतलब 180 तक गिनतियाँ, मतलब 90 तक की गिनतियाँ बढ़ती है, फिर 180 तक कम होती हैं, ऐसा ही कुछ फ्लक्चुएट करता रहता है मानों का इनमें सब कुछ, जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी गिनती आपको दिखाई दे रही है वो है 1। हाँ जी, 1 रहेगा, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, वो 1.732 एक से बड़ा होता है, लेकिन बटे 2 भी है तो और भी कम हो जाएगा। तो 1 का मान, 1 जो मिला है यही सबसे बड़ा मान है। और अगर सबसे छोटे मान की बात की जाएगा, याद रखिएगा, सबसे छोटे मान की बात की जाएगी तो आप 0 नहीं बताएंगे, -1 बताएंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 180 पे जाएंगे तो -1 मिलेगा शायद, मतलब जो कुछ भी होता है यहाँ पे जो sin θ का जो भी मान रहेगा वो आगे बढ़ करके ये जो भी अधिकतम मान रहता है वही के अपोजिट, यानी माइनस वाला पार्ट ही न्यूनतम मान में जाता है। तो 0 से भी छोटी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, होती भी है। तो आपको अधिकतम मान यही वाला खोज के देख लेना है, इसमें जो गिनती बड़ी रहेगी ज्यादातर मामलों में अधिकतम मान पूछेगा, तो आपको यहाँ पे 1 बता दिया देना है। cos θ का अधिकतम मान आप यहाँ पे देखेंगे 1 मिल जाएगा, tan θ का अधिकतम मान आपको मिल जाएगा √3। तो ज्यादा यहाँ पे देखिए sin θ का मान ज्यादातर पूछा गया है, और cos θ का भी मान पूछ ही लिया जाता है, और sin θ के बाद आ जाता है sec θ या फिर cosec θ। इसमें अधिकतम मान जो पूछा जाएगा तो आपको उत्तर बताना है 2, ठीक है, 2 सबसे बड़ा मान होगा। सो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। वैसे ये बातें मैं कहता नहीं हूँ, अगर आपको समझ में आया है तो आप जरूर ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।